हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रवि परमार और एमआर हेल्प एजुकेशन सपोर्ट की आज की वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेट्रोल प्राइसेस के बारे में कि क्यों इंडिया में हाल में पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ी हुई है, कौन से टैक्सेस हैं जो इसके ऊपर इम्पैक्ट डाल रहे हो और प्राइसेस को बढ़ा रहे, और गवर्नमेंट की ओर से क्या एक्शन लिए जा रहे। कैलकुलेशन आपको दिया गया है और 2020 का 6 मई 2020 का, थर्ड मार्च से लेके 6 मई 2020 को हमने यहाँ पे कंसिडर किया है। तो 6 मई तक का जो डेटा है वो आपको यहाँ पे बताया गया है। तो आप देख सकते हो कि 1 जनवरी 2020 और 6 मई 2020 में दोनों में जब रेट अलग अलग थे क्रूड ऑयल को, तो वो कैसे कंपेयर किया गया है। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में अगर प्राइस देखे तो $67 जनवरी में था। मई में उसका जो पर बैरल का रेट था 67% था जनवरी में, और मई की बात करें तो $27 पर बैरल जो क्रूड ऑयल की प्राइस थी इंटरनेशनल मार्केट में। अभी करेंसी एक्सचेंज रेट हम देखें तो उस टाइम पे $1.71 का था, और 6 मई की बात करें तो $1 की प्राइस कुछ थी ₹75। तो आप देख सकते हैं करेंसी एक्सचेंज रेट में भी डिफरेंट था जनवरी और मई में। क्रूड ऑयल इंडियन करेंसी में अगर उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो हो जाएगा 4000, ऑलमोस्ट 5000 है, और मई की बात करें तो 2000 अराउंड है। ओके, तो ये इंडियन करेंसी में कन्वर्ट किया। अभी एक बैरल में कितने लीटर होते हैं, एक बैरल में होते हैं 159 लीटर होते हैं। तो उसको लीटर के तौर पर अगर देखा जाएगा तो जनवरी में हमें एक लीटर जो मीन्स हमें क्रूड ऑयल मिल रहा था वो ₹30 में मिल रहा था, और मई में अगर देखें, मई 2020 में देखें तो हमें ₹12 पर लीटर में क्रूड ऑयल मिल रहा था। तो ₹12 मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि करेंसी एक्सचेंज रेट भी बढ़ा हुआ है, फिर भी हमें ₹12 लीटर में क्रूड ऑयल मिल रहा है। तो फिर मई में क्यों पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ रही है। ड्यूरिंग लॉकडाउन के दरमियान क्या हुआ कि फ्यूल की डिमांड काफ़ी कम है, तो कम होने पे वो उसकी जो खपत है वो कम हो रही है। तो 5 मई 2020 को दिल्ली गवर्नमेंट ने क्या किया, डीजल के ऊपर वैट बढ़ा दिया। 16.75% था लेकिन उसको बढ़ा के 30% कर दिया। पेट्रोल पे भी 27% था, उसको बढ़ा के 30% वैट लगा दिया। और 6 मई 2020 को दिल्ली गवर्नमेंट ने 5 मई को ये एक्शन लिया। 6 मई 2020 को सेंट्रल गवर्नमेंट क्या किया, एक्साइज ड्यूटी एंड रोड सेस पेट्रोल पे जो था वो ₹10 से बढ़ा के ₹13 कर दिया पर लीटर। ₹10 पेट्रोल पे बढ़ा दिए सॉरी, और डीजल पे ₹13 बढ़ा दिए। नाउ अभी इसका सिंपल कैलकुलेशन देखते हैं हम कि दिल्ली की जो प्राइसेस है उसको कंसिडर करके हम चलेंगे यहाँ पे। तो पेट्रोल और डीजल में क्या कैलकुलेशन होती है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या कौन से वो टैक्सेस है वो इम्पैक्ट करते हैं। तो 6 मई का डेटा हमने कंसिडर किया है, 6 मई तक का। तो पेट्रोल और डीजल दोनों का कैलकुलेशन है, हम पेट्रोल के बारे में बात करेंगे, डीजल ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है। ओके, तो अगर ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनी है वो बाहर से माल लेके आती है, क्रूड ऑयल लेके आती है, वो सारा खर्चा वगैरह उनका लॉजिस्टिक का वगैरह खर्चा करके उनका प्रॉफिट निकाल के वो सबको ट्रांसपोर्ट वगैरह सबको जोड़ के उनको ₹18.28 पर लीटर उनको पड़ता है। देन सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस जोड़े जाते हैं और डीलर का कमीशन भी जोड़ा जाता है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस की बात करें तो एक्साइज ड्यूटी होती है, फिर रोड सेस वगैरह लगता है, तो वो मिल जाता है ₹18.28 में, और ₹32.98 उसमें जुड़ जाते हैं, वो एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस वगैरह गवर्नमेंट के चार्जेस होते हैं। और फिर ये जो पेट्रोल पंप डीलर होते हैं, पेट्रोल पंप जो चलाते हैं, वो लोग अपना कमीशन और जोड़ते हैं, तो वो कमीशन भी जुड़ जाता है, तब जाके वो प्राइस हो जाती है ₹54.82। ओके, तो पर लीटर ₹54.82 पेट्रोल पंप वाले को मिलता है, मीन्स उसका कमीशन जोड़ने के बाद। फिर जब वो उसे हमें बेचता है, कंज्यूमर को बेचता है, तो उसमें वैट जोड़ी जाती है, 30% पेट्रोल पे होती है और 30% डीजल पे होती है।
तो 30% वैट जोड़ी जाती है तो वो हो जाती है 16.44। ओके, तो ये सारी चीज़ों को जोड़ देंगे तो तकरीबन हम जब पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो पेट्रोल की कीमत होती है 71 रुपीज़ और 26 पैसे। ये 6 मई का डेटा है, उसके बाद ये चेंज भी हो सकता है, अभी चेंज भी हो गया होगा, लेकिन और ये दिल्ली का डेटा है। ओके, तो वो हमें कंसिडर करके चलना है। अच्छा, आपको एक इम्पोर्टेंट बात मैं बता दूं कि पेट्रोल 2017 के बाद आप जो पेट्रोल भरवा रहे हो, हैज़ 10% ऑफ इथेनॉल बीन मिक्स्ड विद पेट्रोल। तो पेट्रोल में 10% इथेनॉल मिक्स होता है, ये एक नेचुरल फ्यूल कहा जाता है, और इथेनॉल में शुगर और स्टार्च मिक्स होते हैं, शुगर एंड स्टार्च मिक्स होते हैं, और ये नेचुरल फ्यूल है, और उसको पेट्रोल के साथ जुड़ा जा सकता है, पेट्रोल के साथ उसको मिक्स कर सकते हैं, और वो नॉन पॉल्यूटेड मटेरियल है ये भी हम कह सकते हैं। और जो इथेनॉल है उसकी प्राइस चल रही है पर लीटर पे 47 रुपीज़ समथिंग प्राइस चल रही है, पेट्रोल के साथ अगर उसको जोड़ दिया जाए तो पेट्रोल की प्राइस ही इथेनॉल पेट्रोल में मिलाए हुए इथेनॉल के साथ ही पेट्रोल की प्राइस भी जुड़ जाती है। तो समझ लीजिए कि आप अपनी गाड़ी में 30 लीटर पेट्रोल भरवाते हो तो उसमें से 3 लीटर आप इथेनॉल भरवाते हो, जो भी आप 30 लीटर पेट्रोल के पैसे देते हो उसमें 3 लीटर इथेनॉल भी होती है। और इथेनॉल आपको ये भी बोला जाता है कई बार क्वेश्चन के तौर पर कि आप जब भी अपनी गाड़ी सर्विस सेंटर पे वगैरह पे धुलवाए या कहीं पे भी, तो उसमें पेट्रोल टैंक में पानी ना जाने पाए, अगर पानी चला जाएगा तो वो इथेनॉल के साथ मिक्स होता है और केमिकल रिएक्शन की वजह से मीन्स आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम आ सकती है, गाड़ी जर्क होके चलती है वगैरह, कुछ भी मीन्स प्रॉब्लम रहती है, तो उसमें मिक्स नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें इथेनॉल मिक्स किया होता है इसलिए। अच्छा, टैक्सेशन सिनारो क्या है पेट्रोल डीजल के केस में, तो वो भी यहाँ पे बताया गया है। तो बोला गया है कि एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे नवंबर 2014 में लगती थी 9 रुपये समथिंग, अगस्त 2017 में वो लगती थी 21 रुपये और समथिंग, और मई 2020 में वो जो पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी लगती है वो बढ़ के 32 रुपीज़, ऑलमोस्ट 33 रुपीज़ हो गए पर लीटर पे, पर लीटर का कैलकुलेशन दिखाया गया। डीजल पे भी वैसे ही कैलकुलेशन दिखाया गया है कि नवंबर 2014 में ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ एंड 50 पैसे था, और अगस्त 2017 में वो 17 रुपये हो गया था टैक्स उसके ऊपर और एक्साइज ड्यूटी, और 31 मीन्स ऑलमोस्ट 32 रुपये हो गया था मई 2020 में, 32 रुपये हो गया है, और उसमें रोड सेस वगैरह भी जोड़ दिया गया है एक्साइज के साथ। तो आप देख सकते हो कि डे बाय डे तो हम नहीं बोल सकते, ईयर बाय ईयर ये जो एक्साइज ड्यूटी है वो बढ़ती जा रही है। अगर बेसिक प्राइस पे हम देखेंगे वैट कितनी है, ये तो एक्साइज ड्यूटी की बात हुई, उसके ऊपर वैट भी जोड़ी जाती है, तो वैट अगर आप देखोगे तो नवंबर 2014 में 20% थी पेट्रोल पे, अगस्त 2017 में वो थी 27% और मई 2020 में वो ऑलमोस्ट 30% थी। ओके, तो वैसे ही डीजल में भी वही सिनारियो आप देख रहे हो। तो मीन्स देखिए ईयर बाय ईयर भी ये एक्साइज ड्यूटी और जो वैट है वो दोनों बढ़ रही है। टैक्स पेड फॉर ऑब्टेनिंग फ्यूल, अच्छा ये फ्यूल आप अभी का डेटा की अगर बात करें 6 मई 2020 की दिल्ली की बात करें, तो दिल्ली में अगर पेट्रोल आप भरवाने जा रहे हो तो आप 49 रुपीज़ तो उसके ऊपर आप टैक्स का देते हो, जब आप 71 रुपीज़ का पेट्रोल भरवाते हो तो 49% जो भी होता है 49 रुपीज़ का टैक्स होता है, और डीजल अगर 69 मीन्स ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ का पर लीटर आप डीजल भरवाते हो तो उसमें 48 रुपीज़ आप टैक्स के ही दे रहे हो। तो आप देख सकते हो ऑलमोस्ट जो आप प्राइस दे रहे हो पेट्रोल या डीजल की, उससे 1.5 गुने से भी ज़्यादा टैक्स लग रही है। अगर बात करें मुंबई की, तो मुंबई में एक्साइज वैट सरचार्ज ये ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा है, स्टेट को गवर्न किया गया है इसलिए स्टेट वैट कितना लगा है कि वो डिपेंड करता है, तो मुंबई में वो सबसे ज़्यादा है, मुंबई में वैट सरचार्ज ज़्यादा है और उसके साथ एक्साइज भी जोड़ा जाता है, मुंबई में आपको पेट्रोल काफ़ी महंगी पड़ती है। जो अलग अलग से जो टैक्सीस मीन्स पेट्रोल की प्राइस अलग अलग स्टेट में रहती है, तो मैं फिर एक बार आपको बोल दूँ कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो भी होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है, तो पूरे इंडिया में वो एक ही रहती है, लेकिन जहाँ तक बात है वैट की, तो वैट को लगाने का जो मीन्स पावर है वो स्टेट हर एक स्टेट के स्टेट पे डिपेंड करता है, तो हर एक स्टेट उस पर कितना वैट लगाता है एक्साइज के साथ
उस पर डिपेंड करता है कि पेट्रोल कितना महंगा होगा। जैसे कि मुंबई में वैट का रेट ज़्यादा है तो मुंबई में पेट्रोल की प्राइसेस ज़्यादा होगी, गोवा में उसका कम है तो गोवा में वो प्राइसेस डिफरेंट होगी। तो दोस्तों ये थी पूरी बात कि इंडिया में कैसे टैक्सीज जो पेट्रोल और डीजल पे लगते हैं और गवर्नमेंट कैसे उसको उसके ऊपर दिन ब दिन एक्साइज ड्यूटी और रोड्स सेस चार्ज और ये सारी चीज़ लगा रहा है। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है फिर भी पेट्रोल की प्राइसेस नहीं घट रही है। और दूसरी एक बात कि क्रूड ऑयल की प्राइसेस भी अभी तो नेगेटिव चली गई है मार्केट में, फिर भी पेट्रोल की प्राइसेस बढ़ती जा रही है। दोस्तों इसके पास पीछे एक रीज़न ये भी है कि जब GST फ्रेम हुआ था तो GST फ्रेम करते वक्त कुछ CGST और SGST फ्रेम किया गया था, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। वो टाइम पे पेट्रोलियम 5 प्रोडक्ट थी उसको GST में नहीं रखा गया, और लेकिन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 9 सब क्लोज 2 ऑफ CGST एक्ट बोला गया था कि हम लोग पेट्रोलियम की जो 5 प्रोडक्ट है उसको GST में लेके आएंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल, ऐसे गवर्नमेंट ने बोला था। लेकिन कब लेके आएंगे उसका कोई मेंशन वो एक्ट में नहीं किया गया, तो समझ लीजिए वो आने भी वाला नहीं है। तो वो जो 5 प्रोडक्ट थी पेट्रोलियम प्रोडक्ट वो थी क्रूड ऑयल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पीड जिसे पेट्रोलियम जिसे हम पेट्रोल भी बोलते हैं, एविएशन टर्बाइन फ्यूल और नेचुरल गैस। तो ये 5ों के ऊपर GST लाया जाएगा, लेकिन कब लाया जाएगा वो बोला नहीं गया। सिंपली बोला गया GST काउंसिल के रिकमेंडेशन से लाएंगे। GST काउंसिल में जो GST काउंसिल पूरी जो बड़ी हुई बनी हुई है वो 33 मेंबर्स की बनी हुई है, उसमें 2 सेंटर के मेंबर है और 31 जो मेंबर है वो स्टेट के मेंबर्स है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ कॉम्प्रोमाइज़ होगा और स्टेट अपनी तरफ से वैट छोड़ेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइज छोड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लिए। अगर उसको GST में लाया गया तो वो समझ लीजिए 49% या 50% या 60% जो भी टैक्स लगती है अभी एक्साइज और वैट के साथ जोड़ के, वो टैक्स 28% से ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि GST में बोला गया है 28% जो हाईएस्ट रेट है, तो वो काफ़ी कम हो जाएगा। और समझ लीजिए पेट्रोल, अगर मैं सिंपली आपको बोलूँ कि अभी जो 75 रुपीज़ में आप पेट्रोल भरवा रहे हो वो ऑलमोस्ट 50 रुपीज़ या 49 रुपीज़ हो जाएगा। तो ये चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को भी रेवेन्यू अर्न करनी है, तो रेवेन्यू अर्न करने के लिए वो हमारे ऊपर भी बोझ डाल सकते हैं, ये बहुत बड़ी रेवेन्यू होती है पेट्रोल की। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।